रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ मैं हूं हनीफ रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में खुसूसन कराची और दीगर शहरों में हालिया बारिशों से जो तबाही सामने आ रही है, उसकी वजह से आवाम में बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला में अपने मौजूद नुमाइंदगान से राबता करेंगे और वहाँ पर मौजूद सूरत हाल से आगाही हासिल करेंगे। हम जानेंगे कि वहाँ पर बारिश की वजह से तबाही जो है वो किस हद तक फैल चुकी है और उसके नतीजे में हुकूमती इकदामात क्या है। अपने मुख्तलिफ ज़िलों में नुमाइंदगान से बात करते हुए हम ये भी पूछेंगे कि आवाम को किन मसाइल का सामना है, उन मसाइल को हल करने के लिए आवामती सतह पर जो इकदामात किए गए हैं आया वो काफ़ी है या नाकाफ़ी है। इस वक्त सबसे पहले हम जाएंगे कराची की तरफ। कराची में चूंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से कराची में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हादसात में मुख्तलिफ लोग भी जा बहक हो चुके हैं और हम हैदराबाद की जानब भी जाएंगे, सिंध के दूसरे बड़े शहर। वहाँ पर भी हम अपने नुमाइंदे से राबता करेंगे और जानना चाहेंगे कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। नेमत ज़्यादा की जनब जाएंगे पहले कराची से, कराची के हालात का उनसे पूछेंगे, उसके बाद हैदराबाद की तरफ भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नेमत ज़्यादा। वालेकुम सलाम। नेमत, ये बताइएगा कराची में मौजूदा वक्त क्या सूरत हाल है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, और ये भी बताइएगा कि कराची में हालिया बारिशों से कौन कौन से इलाका ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हनीफ साहब, अगर हम देखें तो इस वक्त कराची में जो सूरत हाल इस बारिश की वजह से हुई है, तो ऐसी तबाहकारियां इससे पहले कभी देखने में नहीं है। कम से कम मेरी जिंदगी में कराची में इस हद तक बारिश की तबाहकारियां नहीं देखी। अलबत्त मौसमियात महकमा जो है उनके कुछ एदाद शुमार जो थे उसके जरिए अगर उसको हम देखें तो 1953 में जो है इस हद तक इतनी बारिशें हुई थी। उसके बाद से ये 1967 में यानी 53 साल बाद ये जो बारिशें हुई हैं ये उससे कहीं वो बखौल उनके ज्यादा है। हम ओवरऑल कराची को देखें तो कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जहां पानी नहीं होगा, कोई ऐसी गली नहीं होगी जहां पानी नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पानी नहीं होगा। पूरा शहर आज मुकम्मल तौर पर मफलूज रहा। उसके साथ साथ बिजली की जो आंख बचोरी थी वो पूरे दिन जारी रही। अभी भी आधा से ज्यादा शहर जो है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में है। इसके अलावा मैं यहाँ तक भी कहूँ कि कराची के जो मशहूर शाहराहों पे जो अंडरपास थे, 7 अंडरपास वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं, जिसमें गुजरना तो नामुमकिन सी बात है। वो ट्रैफिक जो है वो इक्का दुक्का जो चल रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब घरों में सो रहे हैं, वो जो चल रही है उनको भी बड़ी मुश्किल का सामना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि कराची में जो खासतौर पर नागन चौरंगी है, न्यू कराची है, सफूरा गोट है, ये जो हाफ डैम के साइड वाले इलाके हैं ये तो बहुत ही ज्यादा जो है वो पानी के अंदर दब चुके हैं। वहाँ रेंजर्स और आर्मी, उसके साथ साथ जो पुलिस और खासतौर पर वो लोग जो कि मुख्तलिफ इदारों से हैं और उनका काम होता है रेस्क्यू करना, वो मुसलसल लगे हुए लोगों को जो है बिलावल ने। अच्छा नेमत, नेमत ये बताइएगा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं। लेकिन इस वक्त क्वेटा से हमीदुल्ला शरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्वेटा की सूरत हाल क्या है। हमीदुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमीदुल्ला शरानी से हम हमीदुल्ला शरानी, ये बताइएगा कि क्वेटा की सूरत हाल इस वक्त क्या है, कौन कौन से इलाके ज्यादा बारिश की वजह से मुतासर हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया पूरे मुल्क की तरह कराची के बाद जो है ना बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज से बारिशों का नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। अक्सर इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई है और बारिश से तकरीबन कई पुल भी बह गए हैं। साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कड़ी फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। 14 अजला में गुज़िश्ता तकरीबन 2 दिन से जारी बारिश ने नदी नालियों में तुगयानी आ गई है। मुख्तलिफ अजला के देहातों का जो रबते थे, मतलब जमनी रबते, वो मुनकते हुए हैं और अब तकरीबन उन सड़कों पे भी काम सुस्तरवी का शिकार है। अक्सर बलूचिस्तान के तकरीबन मच्छ पुल जो है ना वो बह गया था, जिनका जो जमीनी रास्ता वो क्वेटा से मुनकता हो गया है। इसी तरह सीबी और हपचौकी और साथ साथ लजबेला में भी सीबी के साथ हारनाई में भी नुकसान पेश आए हैं इन बारिशों की वजह से।
तकरीबन सुबह के 9 बजे में हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी भी लगाई गई है और हनाई में शदीद बारिश और सैलाबी रेले आने के बायस जो हनाई कोयटा शाहरा था वो बंद हो गई थी, जिसके बायस सैकड़ों गाड़ियों के फंसने जो सैकड़ों गाड़ियां जो फंसी हुई थे जिनके बायस मुसाफरों को भी कि हादसात के नतीजे में जहां अफराद जो है उनकी तादाद कितनी है और या जो जख्मी है मुख्तलिफ हादसात में बारिश की वजह से उनकी तादाद कितनी है? वो तकरीबन 4 के करीब लोग जो थे खल खुजदार में फंसे हुए थे उनको भी निकाला गया है और क्वेटा के इलाके हाना झील में भी तकरीबन 3 बंदे डूब गए थे जिनमें 2 को बचाया गया तो और 1 जान बाहर हो गए हैं। तकरीबन अब हुकूमत की जानिब से जो हमें हकूमती तर्जुमान बलूचिस्तान है उनके मुताबिक बलूचिस्तान के तकरीबन 4 जो सड़कें हैं कौमी शाहराहें वो नाकारे हैं, मतलब बंद पड़े हैं और तकरीबन इसमें 2 पुल भी ऐसे हैं जिन पे आप सफर मतलब लोग नहीं करते हैं और अब तक बिल्कुल नाकारा है। अच्छा मित्र, आप हमारे साथ रहिएगा, नेमत ज़्यादा की जानिब जाएंगे। नेमत ये बताइएगा कि वही सवाल दोहराऊंगा मैं, कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं बारिशों की वजह से, कौन कौन से ज़िले ज़्यादा मुतासर हुए हैं? क्योंकि हम सुनने में आ रहा है कि मलिर के कुछ एरियाज और ये कुरंगी औरंगी टाउन वगैरह जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ भी ज़्यादा तबाही हुई है, आपकी इतलात क्या है कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं? देखें, अगर हम कराची के मलिर और कोरंगी साइड देखें वो तो मुकम्मल इस वक्त शहर से बिल्कुल ही कट चुके हैं क्योंकि उनमें जो बीच में काजवे था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तकरीबन टूट चुका है और उस मलिर की नदी का जो पानी है वो इर्द गिर्द के इलाकों में भी जो दाखिल हो चुका है। यह भी साथ में मैं कहूँ कि अगर हम सफूरा कोट की बात करें, नागन चौरंगी की बात करें, न्यू कराची की बात करें, नेमत ये बताइएगा, आपने नदी की बात की, आप मजीद तफसील बताइएगा लेकिन ये बताएं कि मलिर नदी के अलावा कराची में जो लियारी नदी है उसके अतराफ सूरत-ए-हाल क्या है वो भी जरा बताइएगा। देखिए, जो लियारी नदी थी तो चूंकि उसके दोनों तरफ पे जो है वो इन्होंने पहले से जो सड़कें जो मलिर वे था वो बनाया गया था जिसकी वजह से उसके पास स्पेस काफी थी लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो पानी है वो जो हम लियारी की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ आबादियों में गया है। इसके अलावा और कुछ स्कूल ऐसे हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आला को हुक्म दिया गया था बिलावल की तरफ से कि जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जो इलाके ज्यादा नशीबी हो चुके हैं उन इलाकों के गवर्नमेंट स्कूल खाली कर वहाँ जो लोग जिनकी जिंदगी मफलूज हो चुकी है बारिश का पानी के घरों के अंदर मौजूद है तो उनको वहाँ मुंतकिल किया गया। यही सिलसिला भी शुरू किया, उसके साथ साथ रेंजर्स की जो टीम है वो भी काम कर रही है। अगर हम ये कहें कि कराची में किस इलाके को नुकसान नहीं पहुंचा तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि पूरा कराची मफलूज हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं घुटनों का पानी है तो कहीं जो है वो 6-6 फीट तक पानी भर चुका है। अलबत्त ये एक चीज देखने में आई बीच में जब 4 और 5 बजे के दरमियान बारिश ने थोड़ा सा वक्फा दिया तो सखी हसन और उसके साथ साथ केडीए जहाँ बहुत ज्यादा पानी होता है वहाँ पानी कम दिखने लगा। इससे पहले ऐसे कभी नहीं होता था, शायद जो नाले साफ किए गए उससे कोई ना कोई फर्क पड़ा है लेकिन जब बारिश हो रही होती है जैसे अभी भी हो रही है तो ऐसे हाल में सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखता है पूरे शहर में और कोई नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि जो सफूरा गोट साइड पे है वहां पे पानी की निकासी ही नहीं है, मतलब ये पानी जो वहां अब तक जमा हो चुका है जो कि नालों के पानी भी वहां जा चुका है तो वो हो सकता है कि मजीद 2-3 दिन तक रहे क्योंकि उनकी निकासी। ये बताइएगा कि हलाकतों की या जख्मियों की तादाद कितनी है करंट लगने से या छते गिरने से, हादसात का जरा बताइए कि क्या सूरत हाल है? अब तक जो इत्तला आई है कुछ 7 लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी के जो है अपनी जिंदगी साथ 2 बेटे हैं इनमें 3 ऐसे हैं जो एक बच्चा भी इसमें शामिल है कि जो सिर्फ अब पानी बिजली से वो जहां भाग हुए। ये 5वीं मतलब 2 पिछले बारिश में हुए थे 3 इसमें पहली दफा से देखने में है कि अब पानी बिजली से भी जो है वो जो लोगों की अमवात होने लगे वरना अब तक जितना था वो इलेक्ट्रिक के हालात जो बिजली थी उसी होता रहा। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे करंट लगने से लोग मरे तो टोटल 7 का फिगर अब तक बताया जा रहा है लेकिन जिंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। अलबत्त सिंध गवर्नमेंट चूंकि अच्छा नेमत आपकी जानिब आएंगे सिंध गवर्नमेंट के इकदाम पर भी शिरानी के पास जाते हैं। हमीदुल्ला ये बताइएगा कि हुकूमती इकदाम किस हद तक आप समझते हैं कि इत्मीनान बख्श हैं, लोग जो है वो मुतमईन हैं जिस तरीके से हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं लोगों को रिलीफ देने के हवाले से? बिल्कुल, जो हालात हैं या जो तूफानी बारिशें हैं इनसे हुकूमत की जो कारकर्दगी है लोग बिल्कुल काफ़ी मुतमईन नहीं है, मतलब हुकूमत की जानिब से मौजूदा जो सूरत हाल से मौसर तौर पर निमटने के लिए
तमाम मुतालका इदारे जो है ना वो गैर फाल है, वादे तो या दावे तो कर रहे हैं, ट्विटर पे मतलब एक्टिव है बलूचिस्तान की जो जाम साहब की गवर्नमेंट है वो काफ़ी एक्टिव है ट्विटर पे माशाल्लाह, और उसके तर्जुमान भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करते हैं, तो जितने वो ट्विटर या सोशल मीडिया पे एक्टिव है उतने ग्राउंड रियलिटी उन लोगों की उतनी अच्छी नहीं है और ना उतने ये लोग एक्टिव है। जो मुतासर लोगों की मामला और बारिशों से मुतासर होने वाली जो कौमी शाहरा है और सड़कें हैं उनकी बहाली के काम में बिल्कुल सुस्त रही है। अब तक भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ऐसे इलाके हैं जिनमें मतलब लोग सफ़र नहीं कर सकते, हुकूमत तो सिर्फ ये आवाम को सिर्फ गैर ज़रूरी सफ़र से रोकने की हिदायत दे रहे हैं, बाकी खुराक और इमदादी चीज़ें भी आम लोगों तक नहीं पहुँचाई जा रही। जिस तरह मतलब शिरानी हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया पर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, हकीकतन ज़मीनी हकायक ये है कि वहाँ पर कोई रिलीफ देने का कोई अमल जारी नहीं है और ना इस तरह के कोई इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल हम यही कह सकते हैं, क्योंकि अब हब में बारिशों की वजह से तकरीबन 400 लोग घरों में मैसूर हो गए थे, मुतासर हो गए, जिनको आम लोगों ने अपनी मदद आप कहते कुछ लोगों को बचाया था। अब मैं एक और चीज़ आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो हालिया बारिशों की वजह से हब का जो डैम है ना वो तकरीबन भर गया है, सिर्फ 2 इंच की जो पानी की गुंजाइश है, वो जिलिंग मतलब वो पानी का जो सिलसिला है अब भी मतलब डैम में पानी जम रहे हैं, जमा हो रहे हैं, यानी सिर्फ 2 इंच बाकी है। 339 फुट की इंतहाई हद तक पर डैम के स्पेल वेज जो है वो खोल दिए जाएंगे। अच्छा मिजुल्ला ये बताइएगा कि सिर्फ आप तो क्वेटा की सूरत हाल आपने हमें बता दी, ये बताइए कि बलूचिस्तान की दीगर अजला की सूरत हाल क्या है? दीगर अजला में बिल्कुल हालात ठीक है, सिर्फ कुछ बलूचिस्तान के इलाके हैं मतलब जिसमें खुजदार किला अब्दुल्ला, वाशुक, डेरा मुराद जमाली, सोहबतपुर, उस्ता मोहम्मद और तंबू समेत ऐसे दीगर शहरों के नशीबी इलाके जो है ना वो जेर आब आ गए हैं। क्वेटा में बिल्कुल हालात नॉर्मल है, या इस तरह की जो जनूबी अजला है जो या शिरानी की या मुसाखिल की तरफ या किला सिलसिला ये इलाके बिल्कुल सही है। उधर उस बलोच जो बेल्ट है जहाँ सीबी है, बोलान है, हबचौकी है, रसबेला है, तुरबत है, कैच है। अच्छा अमित हमें सीबी के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी बहुत हालात खराब हैं, आपकी इतलात क्या है सीबी के हवाले से? सेम हालात है, वहाँ पे कच्चे घर है तकरीबन, काफ़ी ज़्यादा फसलों को वहाँ पे खजूर और प्याज के जो फसलात थी उनको नुकसान पहुँचा है। और साथ मतलब बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी हालात दुरुस्त ठीक नहीं है। ये बताइए कि नेमत ज़्यादा आपकी जानब आऊँगा, ये बताइए कि सिंध हुकूमत की जानब से इकदाम क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध जो है वो हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, उनके अलावा जो तर्जुमान हैं वहाब साहब वो भी हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा वज़ीर बलदियात वगैरह भी हम देखते हैं कि वो सड़कों पर जो है और बाकी मुख्तलिफ इदारों को उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो फौरी इकदाम करें, आपकी इतलात क्या है और आप क्या देखते हैं ग्राउंड पर किस हद तक मौसर इकदाम किए जा रहे हैं? मैं ऐसा है कि सिंध हुकूमत के इकदाम तो अभी बताऊंगा, उससे पहले एक जरूरी बात ये भी साथ में कर दूं कि सिंध में खासतौर पर कराची में अगर हम जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ से मतलब गरीब बस्तियां हैं उनमें कल से भी मतलब ये आप अगर हम जाते हैं कस्बा टाउन की तरफ तो वहाँ 2-3 मकान जो थे वो गिर गए थे, इसके साथ साथ कटी पहाड़ी की जो राह थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है क्योंकि वो पहाड़ दोनों साइड से उसकी जो मिट्टी है वो गिर रही है और वो रोड उसको ब्लॉक कर दिए गए और इंतजामिया जो है अब तक उनको शायद पता भी नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ है और यहाँ अमवात भी हुई है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो सिंध हुकूमत इकदाम तो कर रही है, बदकिस्मती ये है कि इस बार उनके औसान इसलिए ज्यादा खता है क्योंकि ये जो अब के बारिश का जो स्पेल है ये पिछले 53 साल में ऐसा नहीं हुआ, तो लाजमी सी बात है और लाजमी से हमारे को उनका औसान खता हो जाना लाजमी है। उसके बावजूद भी वो ज्यादा कोशिश भी कर रहे हैं और सड़कों पर भी है जैसे आपने कहा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको जो है वो लोगों की जो तकलीफ है जहाँ पे उनको पता चल रहा है वहाँ कोशिश कर रहे हैं, अपनी टीमें भेज रहे हैं। उसके साथ साथ रेंजर्स अच्छा ये बताए रेंजर्स क्या बात कर रहे हैं, आप हुकूमती इकदाम की भी बात कर रहे हैं लेकिन नेमत बहुत से ऐसे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं जिन्होंने ये कहा है अपने लोगों को अहकाम जारी किए हैं कि वो बाहर निकल कर खासकर शहबाज शरीफ और बाकी जो है मुख्तलिफ दीगर तंजीमें जो हैं उन्होंने अपनी जमात के लोगों को कहा है कि बाहर आकर लोगों को रिलीफ देने में अपना अमली किरदार अदा करें, तो आप देख रहे हैं ग्राउंड पर कोई पोलिटिकल पार्टी के लोग भी एक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं या सिर्फ ये ज़बानी दावे हैं?
हनीफ साहब, अगर हम कराची की तारीख देखें तो कराची के में रिहाइश पजीर जितने भी अकवाम हैं, इनमें ये एक काफी खासियत जरूर पाई जाती है कि जब भी कोई कुदरती आफात मुल्क के किसी भी हिस्से में आए तो सबसे पहले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले ये लोग हैं। आज भी वही दिख रहा है ग्राउंड पे, उस चाची पार्टी से ताल्लुक हो, किसी तंजीम से ताल्लुक हो, लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, हुकूमती जो कोशिश है वो भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और कोट करता चलूँ कि MQM ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि वो कराची को आफत ज़दा करार दिया जाए, क्योंकि जितनी तबाहकारी बारिश हो गई, अब ये सिंध हुकूमत के बस का काम नहीं है कि वो इसको कंट्रोल कर सके या इस तबाहकारियों में जो लोग, क्योंकि बहुत गुंजान इलाके हैं, वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों का वहाँ पहुँचना, और आम आदमी अपनी मदद आपके तहत एक वक्त तक कर सकता है। कोई कश्ती नहीं है, किसी के पास कोई बोर्ड नहीं है कि उस कश्ती बोर्ड में सफर करके वहाँ लोगों को निकाला जाए, उनको महफूज मुकाम पर पहुँचाया जाए। आज की रात बहुत भारी है कराची वालों पर, खासतौर पर उन इलाकों पर जहाँ जो नशीबी इलाके थे जो जहरे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अहमदुल्ला शेरानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेटा और कराची के हालात से हमने आपको आगाह किया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और पाकिस्तान के दीगर इलाकों की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। कराची और क्वेटा की सूरतहाल से आप आगाह हुए। अब हम जाएंगे लाहौर की जानिब और जेहलम। जेहलम में हमारे साथ होंगे राजा जहांज़ेब साहब और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे ज़मील सलाम साहब। दोनों से पूछेंगे कि उनके इलाकों की सूरतहाल क्या है, वहाँ पर मौजूद हुकूमती इकदामात क्या है, और आवाम जो है किन मुश्किलात में इस वक्त जो है वो डूबे हुए हैं। ज़मील, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़मील, आपने ज्वाइन किया। और राजा जहांज़ेब साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा ज़मील सलाम साहब कि लाहौर की सूरतहाल क्या है, लाहौर के कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं बारिशों से, और वहाँ पर वही सूरतहाल है जो कराची की देखने में आ रही है या कुछ फ़र्क है? जी अनीब, आपको पंजाब की तफसीलात से मैं आगाह करूंगा। पहले मुल्क के दूसरे सूबों की तरह इमसाल पंजाब में भी मूनसून बारिशों का सिलसिला जारी है, और NDMA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 14 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जिनमें 8 अमवात सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में रिकॉर्ड की गई हैं। हनीफ, गुज़िश्ता रोज भी लाहौर के इलाके परकट टाउन में सिंगल स्टोरी मकान की दीवार गिरने के बाइस छत जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 4 अमवात वाकई हुई। उससे पहले लाहौर ही के इलाके में हरबंसपुरा में पख्तून बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान का मकान जमीन बोस हो गया था, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाबहक जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए थे। बात अगर की जाए बारिशों की, तो जहां इस साल बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से मुतादद अमवात वाकई हुई हैं, वहीं जिंदगी के दूसरे मामलात भी गरम भरम होते हैं। ज़मील, ये बताइए, जो अमवात आपने गिनवाई है, ये बताइए अमवात की वजूहत क्या थी? आया करंट लगने से या सिर्फ छत गिरने से, क्या वजूहत थी? अनेक ये जो इलाके जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिस तरह हरबंसपुरा है और जिस तरह आज बरकत टाउन है, ये नशीबी इलाके कहलाते हैं, और यहाँ पर जब बारिश हद से ज्यादा होती है तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, दीवारें गिरी हैं और ये छतें जमीन बोस हुई हैं, जिनके नतीजे में ये अमवात हुई हैं। दूसरी जानिब आपने बात की, हमने लाहौर बड़ा शहर है कराची की तरह, जब यहाँ पर भी 2 इंच बारिश होने के बावजूद इसके के निकासी आपके लिए करोड़ों के फंड पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में मुलाजमीन और मशीनरी जो है वासा के पास मौजूद है, लेकिन अमसाल भी हमने देखा कि अपने दावों के बरअक्स जो है नाकाम दिखाई देता है। गुज़िश्ता साल भी इमरजेंसी पंपिंग स्टेशन के क़याम के बावजूद चंद इंच की बारिश के शेष से है जो लाहौर शहर है वो दरियाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आज भी अभी भी इस वक्त बारिश जारी है, मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर शहर के जो नशीबी इलाके हैं, खुसूसन लक्ष्मी चौक शाहदरा के जो इलाके हैं, वहां पर 4-4 फुट पानी इस वक्त खड़ा है, और ये बारिश का पानी बासा के दावों को भी। आप साथ रहिएगा, राजा जहांज़ेब साहब की जानिब जाएंगे। राजा साहब, ये फरमाइएगा जहलम में सूरतहाल क्या है, कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं, और अभी मौजूदा सूरतहाल क्या है, वहां पर बारिश हो रही है या रुक चुकी है? जी, अभी जहां तक बारिश का ताल्लुक है तो जेलम डिस्ट्रिक्ट क्योंकि काफी बड़ा है,
कुछ इलाकों में बारिश चल रही है, जबकि शहर जेलम शहर में इस वक्त बारिश रुकी हुई है। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल, पहले तो शहर की जानिब आते हैं कि कल और आज जेलम शहर में और दीना शहर में 4-4 फुट पानी सड़कों पर खड़ा रहा, ट्रैफिक का चलना अमली तौर पर मुअत्तल रहा और बिजली का निजाम धर्म बरम रहा। इस वक्त भी कई इलाकों में 8 घंटों से बिजली नहीं है। दूसरी जानिब आप जाते हैं गाँव की तरफ तो जलालपुर के शहर के गांव में दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चे हलाक हो चुके हैं और 3 अफराद जख्मी हैं। इसके बाद हम आते हैं जमरगाल, पुल गिरने से पूरा एक बड़ा इलाका जेरे आब आ चुका है। अब अगर आप पानी की आमद देखें तो इस वक्त मंगला डैम में जो पानी की आमद है वो 4.5 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इस वक्त जो 8 बजे के बाद पानी छोड़ा गया है वो 1,55,000 क्यूसेक तकरीबन पानी दरिया में छोड़ा गया, जिसमें से 1,15,000 क्यूसिक पानी जो है वो डैम से और बाकी 30,000 पावर हाउस से छोड़ा गया। लेकिन इस पानी को अगर हम आज देखें तो 9 सितंबर 1992 के बाद इसी पानी से जो तबाही आई थी, आज भी हम उसी तबाही के मुंतजर हैं। हमने 18 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं की, आज भी हम सिर्फ यहाँ तक महदूद हैं कि हमने जी कंट्रोल। ये तो हुकूमती इकदाम इस पर बात करेंगे, जमीन की जानिब जाएंगे। जमीन ये बताइए कि वहाँ पर अब मौजूदा सूरत हाल में रिलीफ का जो काम है या जो लोगों को जिन परेशानियों का सामना है, इस हालात में आप क्या देख रहे हैं? कोई मुख्तलिफ तंजीमें भी एक्टिव अंदाज में काम कर रही है, कोई पोलिटिकल पार्टी इसके वर्कर या तमाम लोग हुकूमती इकदाम के मुंतजर हैं? अरे बिल्कुल हुकूमती इकदाम के मुंतजर हैं। हुकूमत ने दावे भी किए थे, वासा के अमले को रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता हूँ कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट ने 26 से 25 फरवरी को एक रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 26 फरवरी से 1 सितंबर तक मूनसून बारिशों के नए स्टाइल की किया शुरू होगा। और अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मूसलाधार बारिश जो है उसका सिलसिला शाम के से जारी है। दूसरी जानब हनीफ, अगर मैं आपको दरियाओं की सूरत हाल की बात करूं तो जिस तरह मेरे दूसरे भाई ने जेलम के हवाले से बात की है, तो चनाब क्योंकि पंजाब का बड़ा दरियाब है, वहां भी फ्लड के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 1 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो दरियाई चनाब से गुजर रहा है। इसके साथ तो मुतसिल जो नाला जम्मू है, नाला तवी है, नाला मनावर है, नाला पलकू है, ये वो नाले हैं जो कि दरियाई चनाब से मुतसिल है और यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। 1 लाख कमोबेश क्यूसेक का जो रेला है वो जारी है, वहाँ पर जो इर्द गिर्द देहात है उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है और हुकूमत पंजाब जो है इस हवाले से रेड अलर्ट भी जारी कर चुकी है। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो झंग का जो इलाका है, जो मंडी भाउद्दीन का इलाका है, जो दरियाए चनाब के साथ मुतसिल है, वहाँ भी रेड अलर्ट जारी किया गया। लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो नशीबी इलाकों में इस वक्त भी 4-4 फुट पानी खड़ा है। रेस्क्यू के दावे किए जा रहे हैं, रेस्क्यू का अमला तो वहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन बासा का जो अमला है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। एहतकासी आपके हवाले से अनिल। ठीक है जानसेब भाई, ये बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ हुकूमती इकदाम ही के लोग मुंतजर हैं या वहाँ पर दीगर तंजीमें, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर अपनी मंजिल आपके तहत भी कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जी अदीब, जैसे अभी जैन ने फरमाया कि मैं आपको बताऊं कि मंडी बाउद्दीन, जलालपुर, ये तमाम इलाका जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक सरकारी इदारे 1122 के मरूने मिनट छोड़ दिया गया है। जिले इंतजामिया को पता था कि ये फ्लड आना है, काफी दिन पहले बारिशों की पेशन गोई हो चुकी थी, लेकिन मुसीबत यह है कि इस वक्त तक ये हम लोग कोई काम नहीं करते जब तक भारी जानी नुकसान ना हो जाए। हमने 92 में भारी जानी नुकसान उठाया, मैंने पहले भी अर्ज किया 18 साल में हमने क्या किया। इस वक्त पोजीशन यह है कि आज मेरे मुशाहदे में ये बात आई कि दरिया का जो कुश्ता एक कसीर रकम लगा के जेलम के किनारे बनाया गया है, आज जब बारिश शुरू हुई और पानी लेवल से ऊपर हुआ और मंगला डैम से पानी 1,55,000 क्यूसेक छोड़ा गया, उस वक्त महकमा एनआर का जो अमला है वो रेत के डंपर लेके उसको रेत की फिलिंग कर रहा है। सवाल ये उठता है कि ये पहले क्या थे, ये तैयारी क्यों नहीं करते, एन इमरजेंसी के टाइम पे ऐसे काम करके क्यों आम के जानो माल को खतरे में डाला जाता है। सवाल ये है कि जब पुल टूटते हैं, जब नहरों के और दरियाओं के पुश्ते टूटते हैं, उस वक्त काम क्यों नहीं किया जाता? पहले इन चीजों को मेजर अगर कर लिया जाए तो इंसानी जानों का नुकसान कम हो सकता है। अच्छा, यकीनन इस पर तो हुकूमती जो नुमाइंदान हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे, लेकिन ये बताइए कि बिजली की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इन तमाम हालात में जो
ज़्यादा नुकसान लोगों को पहुंचता है वो बिजली की तार गिरने से, बिजली के खंभे गिरने से हादसात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह के कोई आपको आपके मुशाहदे में इस तरह के हादसात भी आए या हालात कुछ बेहतर हैं? जी, बदकिस्मती यह है कि जिन इलाकों में पानी 4-4 फुट खड़ा है वो तमाम इलाके बागमल्ला अंदरून शहर ऐसे हैं जिलम के जहाँ पे बिजली की तारें कदे आदम तक लटकी हुई हैं और एक जंजाल पूरा बना हुआ है तारों का। अब वहां पे उन्होंने यही कर दिया कि जी जब पानी जब तक खड़ा बिजली बंद, आवाम अंधेरे में बैठी रहेगी, जिस वक्त तक बिजली नहीं आएगी कोई हादसा ना हो जब तक पानी उतरेगा नहीं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। तहम वापडा के अहलकार काम करते हुए गाड़ियां फिरती नजर आती हैं लेकिन सूरत हाल मजमूई तौर पर शदीद अबतर है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि लाहौर और लाहौर के जो इर्द गिर्द इलाके हैं वहाँ पर बिजली की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इस तरह के जब हादसात होते हैं या इस तरह के हालात जब बनते हैं तो बिजली के हवाले से जो ना या तो बिजली की तार गिरना, बिजली के खंभे गिरना, उसकी वजह से हादसात भी होते हैं, दूसरी जानब बिजली की बिजली की जो फरहमी है उसमें भी तातुल आ जाता है, तो क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल हनीब, अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी लाहौर शहर में 270 के करीब जो फीडर हैं वो ट्रिप कर चुके हैं और ये मामूल है, ये आज की बारिश के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। ना सिर्फ ये कि चंद इन बारिश जब होती है तो साथ ही जो लेस्को का निजाम है वो बैठ जाता है, मुतादिद जो जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर जाते हैं और आधा शहर जो है वो अंधेरे में डूब जाता है। अभी भी जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो बारिश, शदीद बारिश जो है इस वक्त भी जारी है। लाहौर के वो निचेबी इलाके जिनमें अंदरून शहर भी आता है, जिनमें लक्ष्मी चौक भी आता है, इसके साथ साथ हनीफ अगर हम बात करें लाहौर के पूछ इलाके यानी रिश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुलबर्ग डिफेंस, यहाँ पर भी 2-2 फुट 3-3 फुट जो पानी है वो खड़ा हो चुका है और यहाँ पर भी जो बिजली का तरसीली निजाम है वो बिल्कुल मुअत्तल है। लेस्को के अहलकार तब आते हैं जब पानी यहाँ से निकासी आपके लिए हो जाता है, बासा का अमला पानी निकासी आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर बिजली फरहमी का जो सिलसिला है वो जारी किया जाता है। अब पंपिंग स्टेशन जो है वो लगा दिए गए हैं, मुतादिद अमले को जो लेस्को का अमला है उसको भी रेड अलर्ट जारी किया जा चुका था, लेकिन जिस तरह हमने कराची में देखा कि वजीर अला सिंध जो है वो खुद फील्ड में निकले, यहाँ पर लाहौर में सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। जिलाई इंतजामिया का कोई जो आला जो हकाम है वो दिखाई नहीं दे रहे, DCO दिखाई नहीं दे रहे, वजीर अला पंजाब उस्मान गुलजार फील्ड में नजर नहीं आते। तहम वासा का जो अमला है, जो फील्ड अमला है वो जरूर इस वक्त काफी आपके लिए क्वेश्चन जारी रखे हुए हैं। अच्छा राजा जंजेब साहब, ये फरमाइएगा, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि वहाँ पर इतलात क्या है महकमे मौसमियात की जानिब से, क्या कहा जा रहा है कि दोबारा बारिश या मजीद बारिश के इम्कान कितने हैं और आया तेज बारिश होगी या इसमें कोई कमी वाकई होगी? अभी के बारिश के महकमे मौसमियात ने आज रात, पिछले पहर और कल मुकम्मल बारिश का कहा है, लेकिन अल्लाह ताला से हम तो रहम की दुआ मांगते हैं क्योंकि जिस वक्त जो पानी इस वक्त छोड़ा जा चुका है या आज रात को जो पानी छोड़ा जाएगा वो पानी ही जेलम के लिए किसी आसमानी आफत से कम नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों का बड़े पैमाने पर मवेशियों का नुकसान हो गया है, लोग पानी में। तो राजा साहब ये फरमाइएगा जो दरियाओं के किनारे और या नालों के किनारे जो लोग आबाद है उनको वहां से हटा दिया गया या अभी तक वो वहीं पर मौजूद है? देखिए जी, एक मैं डिप्टी कमिश्नर जेलम और जेलम की इंतजामिया को दाद दूंगा कि उन्होंने बर वक्त लोगों को निकाला है बड़ी तादाद में, लेकिन लोगों को तो निकाल लिए गए लेकिन जानवरों का बहुत बड़ा, मवेशियों का नुकसान हो चुका है। और दूसरा, इस वक्त जेलम के कई इलाके उनका जमीनी रबता जेलम से मुनकता हो गया, जिनमें जलालपुर और जमरगाल के अलावा भी 1-2 इलाके शामिल है। बाकी पानी क्योंकि अभी 8 बजे छोड़ा गया है मंगला से, अभी इसके नतज हमें तकरीबन 10:30-11 बजे के बाद हमें पता चलेगा, हम इसको मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं कि नुकसान का अंदाजा क्या है। ठीक है जिमिन, आप ये बताइएगा कि वहाँ पर दरियाओं के जो नाले हैं इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया या वो अभी मुंतजर हैं कि खुदा ना खासा कोई हादसा होगा तभी जाएंगे यहाँ से? कह रहा हूँ तो अब तक की तारीन जो इतलाक है वो ये है कि दरियाई चिनाब में जो 1 लाख क्यूसेक का जो रेला गुजर रहा है इससे पहले वार्निंग तो जरूर चीज जारी की जा चुकी है, लेकिन जो इर्द गिर्द की जो आबादियां हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नाला जम्मू, नाला तवी, नाला बनावर, नाला पलकू, जब भी यहाँ पर दरियाई चिनाब में सैलाबी सूरत हाल होती है तो इस दरियाब का जो पानी है वो इन नालों में छोड़ दिया जाता है और सिक्के
ये होता है कि इर्द गिर्द की जो देहात है वो जेरे आप आ जाते हैं, और अब भी यही सूरत हाल है। अगर खुदा ना खासा ये बारिशों का सिलसिला आज रात भी जारी रहा, जिस तरह महकमा मौसमियात ने पुष्टि पेशन गोई की और डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया था कि ये दूसरा जो स्पेल है तूफानी स्पेल है ये 26 फरवरी से 1 सितंबर तक जारी रह सकता है, और खुदा ना खासा ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये सैलाबी रेला जो इर्द गिर्द के देहात हैं उनको वहाँ पर जेरे आप आ सकते हैं, मवेशियों का नुकसान हो सकता है, और इस हवाले से हुकूमती इकदाम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जमीन आपका राजा जानजीब साहब, आपका जहलम और लाहौर की सूरतयाल से नाजरीन आपने सुनी दोनों हजरात से। हम पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बारे में भी जानना चाहेंगे और आपको बताएंगे आपकी जो हमारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरतयाल है, हम अपने नुमाइंदान से रब्ता करके उनसे भी पूछेंगे कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। आप अपने इलाकों के बारे में अगर कोई मसाइल या वहाँ पर मौजूद सूरत हाल के हवाले से अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा जो लाइव लाइव कॉल नंबर है वो स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बहरहाल हम पहले जाएंगे अपने नुमाइंदान की जानिब, उनसे पूछेंगे कि रावलपिंडी में जो नाले हैं अतराफ में जो लोग आबाद हैं उनकी सूरत हाल क्या है, रावलपिंडी में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशानी का सामने लोगों को, इस्लामाबाद में भी जो परेशानी का सामने लोगों को, वो किस हद तक ज़िली इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त एक्टिव अंदाज में अपना काम कर रही है, तमाम तरह सूरत हाल से हम आपको आगाह करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनसे रब्ता करें। इस वक्त ज़ैन हाशमी साहब जो है वो इस्लामाबाद से और आसिम साहब जो है वो रावलपिंडी से हमें ज्वाइन करेंगे, दोनों से हम रब्ता करेंगे और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सूरत हाल जो है उससे आपको आगाह करेंगे। ज़ैन हाशमी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़ैन हाशमी साहब, और आसिम साहब भी हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से। ये बताइए कि ज़ैन, पहले आप बताइए कि इस्लामाबाद में बारिश की सूरतयाल क्या है, बारिश जो है उसकी वजह से आया सड़कों पर पानी जमा है या नहीं, खासकर जो अंडरपासेस हैं वहाँ पर क्या सूरतयाल है, और आया किन किन इलाकों में आप समझते हैं कि वहाँ पर बारिशों की वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना है। ज़ैन जी, अरीब देखिए मैं आपको बताने चलूँ कि दो रोज़ा जो गुजशत 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी था, उस हवाले से इस्लामाबाद के जो देही इलाके हैं, सहाला के जो करीब मुलका देहाती जो आज इलाके थे वहाँ पर जो है वो पानी इस कदर जो है वो आया कि लोगों के घर जो है वो पानी के अंदर आ गए, लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का भी नुकसान हुआ, उसके उनके फर्नीचर का भी नुकसान हुआ। बाद में मैं आपको बताने चलूँ कि उसके बाद जिले इंतजामिया जो है वो एक्शन में आई है, जिले इंतजामिया के जो रूरल असिस्टेंट कमिश्नर है अब्दुल्ला महमूद, एसपी रूरल फारूक अमजद भुटर, और इसके अलावा पाक फौज के जो दस्ते हैं वो इन इलाकों में गए और इन इलाकों के जो लोग थे इनको दूसरे मुकाम की तरफ जो है वो मुंतकिल किया। जिले इंतजामिया के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे हमारी हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि संगली डैम और रावल डैम का स्पिलवेज को ओपन किया गया जिसकी वजह से सवा नाला जो है उसमें पानी का बहाव जो है वो तेज हुआ और जो मुलिका जो आबादी थी इन नालों के करीब उनमें जो है ये पानी चला गया। मैं आपको ये बताना चलूँ, देखें यहाँ पर हिकमत अमली जो है वो जिले इंतजामिया की ठीक नहीं थी। इससे पहले CDA की हम बात करें कि CDA ने जो इस्लामाबाद के जो पोस्ट पर थे जैसे F10 है, G6 है, G7 है, वहाँ पर जो है NDMA की मैसेज है उसके बाद ही जो है उन्होंने सफाई का अमल शुरू कर दिया था, नालों की सफाइयां वगैरह करवाई थी, लेकिन जो रूरल सेक्टर थे वहां पर जिले इंतजामिया ने कोई हिस्सेकंदी तय नहीं की, वहां पर जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं की गई। अच्छा, आप साथ ही रहिएगा, आसिम की जाने बढ़ेंगे, उनसे रावलपिंडी की जरूरत याद जानना चाहेंगे क्योंकि रावलपिंडी में हालात सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, खासकर वो इलाके जहाँ पर नाले होते हैं, इर्द गिर्द के लोग बहुत परेशान हैं, नाले ही खासकर जिक्र किया जाता है। आसिम ये बताइएगा कि पिंडी की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, मजबूत सूरत हाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है वो बड़ी मौसलाधार बारिश जो है वो रावलपिंडी और जुड़वा शहरों में जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से स्पेशली अगर बात कीजिए रावलपिंडी की तो रावलपिंडी में जो सबसे मेन एरिया है वो
नाला लई का एरिया और नाला लई के ढोकसू ढोकरता और ये जो इलाके हैं ये नशेड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो पानी की सतह जो है वो नाला लई की बुलंद होती है, तो इसके आसपास की जो दीगर आबादी है उस आबादी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रावलपिंडी के इलाके अगर साकाबाद की बात की जाए, अगर ढोकलहान की बात की जाए, ढोक बोस्तान की बात की जाए, तो यहाँ पर भी जो बड़े बड़े नाले हैं उनमें बहुत ज्यादा तुगयानी आ जाती है, जिसकी वजह से शहरियों के जो है वो घरों के अंदर ये पानी दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शहरियों का भी नुकसान होता है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शेख रशीद ने जो है वो चूंकि कल नाला लई का दौरा भी किया था और नाला लई से चूंकि बहुत ज्यादा रावलपिंडी की जिले इंतजामिया इस हवाले से हमें बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आई। उसने यह है कि वो नाला लई की इन बारिशों से पहले जो है वो उसने सफाई सुथराई का जो काम था वो भी किया और स्पेशली शेख रशीद साहब ने जो है वो कल दौरा भी किया था और जो नाला लई की पानी की सूरत हाल है अभी अगर मौजूदा करंट सूरत हाल की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा जो है वो नॉर्मल सतह के ऊपर है। जी अच्छा, सड़कों पर पानी किस हद तक जमा है, मुख्तलिफ पिंडी के जो मुख्तलिफ सड़कें हैं, जो मुख्तलिफ आबादियां हैं, वहां पर सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, सड़कों की अगर बात की जाए तो मरी रोड के ऊपर जो फैजाबाद और इस्लामाबाद का जो संगम है हमने देखा कि जब बारिश हुई तो उस पर जो है वो बारिश के बंद होने के बाद भी जो है 3-4 घंटे जो है वो पानी जमा रहा, लेकिन रावलपिंडी इंतजामिया के मुताबिक होने की वजह से क्योंकि रावलपिंडी शहर ऐसा है कि इसमें अगर बारिश होती है तो बारिश के फौरन 1-1.5 घंटे के अंदर जो है वो पानी जो है चूंकि निकासी का निजाम इस्लामाबाद की नस्बत जो दही इलाके हैं उनसे कुछ बेहतर है, क्योंकि जो नदी नाले हैं उनका जो ये सारा पानी जो है क्योंकि इस पानी का सारा बहाव जो है वो इस्लामाबाद की तरफ इकबाल टाउन के इलाके में जाता है तो पानी जो है वो 1-1.5 घंटे के बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जो पानी की सतह है वो नॉर्मल सतह के ऊपर आना शुरू हो जाती है। जी अच्छा, ज़ैन हाशमी ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के सिर्फ वो इलाके मुतासर हुए हैं जो कि अतराफ में CDA के जो हदूद में नहीं आते हैं, आप क्या समझते हैं सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा हालात ख़राब है या CDA के इलाके भी आप समझते हैं कि वहाँ पर भी पानी खड़ा है और वहाँ पर भी कुछ मुश्किल हैं? देखिए, जो दरियाए सावा के इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं जिसमें जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, उसमें ढोक दर्दियाँ हुई हैं, अजीम टाउन हुए और इससे मुलिका जो जो करीबी और निचले इलाके देहाती इलाके हैं वो जो है आज काफ़ी हद तक मुतासर हुए, वहाँ पर पानी जो है लगातार 5 घंटे तक खड़ा रहा, उसके बाद इंतजामिया जो है वो एक्शन में आई है और इंतजामिया ने कहा कि जो है उसके बाद जो वहाँ के जो रिहाइश थे जो है वो दूसरे मुकाम की तरफ मुंतकिल किया, लेकिन ये जिले इंतजामिया की नाराजगी नजर आ रही है, यहाँ पर शहरी इलाके हैं उधर तक जो है वो नालों की भर सफाई वगैरह की गई लेकिन जो देहाती इलाके वहाँ पर नहीं की गई। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इश्यू एक आ रहा है, देखिए कोरन टाउन कोरन नाला है इस्लामाबाद का और सवा नाला, ये दोनों रकबे के लिहाज से बहुत बड़े जो है वो नाले थे, लेकिन यहाँ पर नाजायज जायदाद होने की वजह से भी कब्जा माफिया की वजह से भी नाले नाली की शक्ल जो है वो तैयार कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो आज बारिश हुई है दो रोजा इससे शहरियों को जो है शदीद नुकसान का उठाना पड़ा। जी आसिम और ज़ैन हाशमी साहब, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मज़ीद सवाल पूछेंगे, मज़ीद हालात से जो है वो आगाही हासिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, पिंडी से इस वक्त मोहम्मद आसिम और इस्लामाबाद से ज़ैन हाशमी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आसिम, ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि फैज़ाबाद के पुल और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा है, क्या वजह है कि वहाँ पर अब तक पानी जो है वो निकाला नहीं जा सका? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि फैज़ाबाद और इस्लामाबाद चूँकि जुड़वा शहरों का संगम फैज़ाबाद को समझा जाता है और फैज़ाबाद का जो नीचे फ्लाई ओवर है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पानी इन बारिशों का जो है वो जमा, क्योंकि वहाँ पर इंतजामिया की जो है ये बहुत बड़ी एक नैली है, क्योंकि निकासी का निज़ाम जो है वो इस फैज़ाबाद पुल के नीचे वो बेहतर नहीं बना सके, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी कटा हुआ, तो जब जो शहरी इस्लामाबाद का रुख करते हैं रावलपिंडी से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इस वजह से चूँकि पानी अगर पुल के नीचे 2-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है तो
गाड़ियां जो है वो पानी के अंदर बंद हो जाती हैं, मोटरसाइकिल जो है वो पानी के अंदर बंद हो जाते हैं, और शहरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखी कि शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आते हैं। इंतजामिया इस हवाले से हमें मुतारक नजर नहीं है कि जहां पर पानी खड़ा हो चुका है, जहां पे शहरियों की गाड़ियां जो है वो बंद होगी, शहरी जो है वो खुद धक्का लगाकर अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक इंतजामिया की हमें नाअली नजर आई कि इंतजामिया ने इस पर फोकस नहीं किया। इंतजामिया का जो सारा रावलपिंडी इंतजामिया की अगर बात करें तो रावलपिंडी इंतजामिया ने चूंकि नाला लेई जो है वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, और नाला लेई का जो मेन जो उसके साथ मुलहिका जितने भी इलाके हैं, डोक रत्ता की बात कर लें, डोक हस्सू की बात कर लें, डोक नचू, स्पेशली जो है अगर बात की जाए रियाल्टो सैलू के पास की या मरीर मरीर चौक मरीर असेंबली साइड पे, तो वहां पर क्योंकि नाला लेई का जो उतार चढ़ाव पानी का उसमें खासी जो है वो हमने देखा कि पानी की जो सतह थी वो बुलंद होती हुई नजर आई। और स्पेशली रावलपिंडी का जो मेन एरिया है वो गवाल मंडी चौक है, गवाल मंडी 15 फुट से अगर जायद पानी हो जाए तो उसके साथ जो मुलहिका इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा तबाही होती है। तहम हमने ये देखा कि चूंकि नाला की जो है रावलपिंडी के अतराफ नालों के अतराफ जो तजावजात है उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, वहाँ पर सिर्फ नालों की सफाई के हद तक इंतज़ामिया का फोकस रहा या जो तजावजात है, क्योंकि जो हालिया बारिशें हैं इसकी पेशनगोई पहले से हो चुकी थी, तजावजात के हवाले से आया कोई इकदाम किए गए थे इंतज़ामिया की जानिब से? जी आपने बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक बात है तजावजात की, तो रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्योंकि चूंकि डोमेन है तजावजात को खत्म करवाना, ताहम रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी कुछ ऐसी काली बेड़े मौजूद हैं जो कि तजावजात जो है उनकी मिली भगत से कायम होते हैं, और तजावजात की अगर बात की जाए तो इस हवाले से हमें खातिर हुआ कोई इकदाम जो है वो रावलपिंडी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से हमें नहीं दिखाई दिए, जिसका हम ये कह सकें कि रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो है वो तजावजात के खिलाफ कोई माकूल या कोई ऐसे इंतजाम किए हैं जिसकी वजह से पानी जो लोगों के जो मसाइल हैं उसमें जो है वो कमी आ सके। जी ठीक। अच्छा जैन हाशमी, आप ये बताइएगा कि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जिन इलाकों की आपने निशानदेही की वहाँ पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं या कोई इकदाम किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो क्या किस तरह का रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पर जारी है? देखिए मैं आपको बता दें कि जिले में इंतजामिया पास फोर्स और जो पुलिस जो हमला है वो वहाँ पर तकरीबन पहुंच चुके थे, और जो नालों के अफराध गलती है उनको जो है वो दूसरे मकाम की जानब जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। मैं आपको बता दें चलूँ की जो रवाज के करीब एक पुलिस है जिसका नाम जो है वो ये बताया जा रहा था कि वहां पर जो है वो तकरीबन 10 गाड़ियां जो है वो फंस गई थी सुबह, और तकरीबन 10 से 12 असाद भी फंस गए थे जिनको डबल वन डबल टू की सर्विस जाकर उनको रेस्क्यू किया और उनको जो है वो बदलिए। साथ में ये भी बता दें कि जिले की इंतजामिया का अमला जो है वो अब इस वक्त जो है वो एक्टिव हो गया था, जो रियलिटी थे उनको दूसरे मुकाम की जानब को कर दी गई, लेकिन यहाँ पर देखिए नजर आ रही है कि नेशनल मैनेजमेंट की जानब से प्री मानसून की बारिशों के दौरान ही बता दिया गया कि इस साल बारिशों के दौरान जो है वो ज्यादा होगा, इसकी जो है वो अपनी हिस्सा अल्ली तैयार कर ली जाएगी, लेकिन जिनकी इंतजामिया को अपनी कोई भी जो है वो बेहतरीन हिस्सा अल्ली तैयार नहीं की, जिसकी तरह से आज शहरियों को नाकामी तलाशी जो है वो नुकसान भी उठना पड़ा, जान की जो है वो लोगों की बच गई, लेकिन शहरियों को यही कहना है कि हमारी जो जिंदगी बिल्कुल जमा हो गई, खराब हो गई, पानी के साथ बह गई, उनको रक्षा करना चाहिए था, जो नाली थे गिरदो लगा जो है उनको तजावजात को हटाना चाहिए था, क्योंकि जिगर की सोसाइटी भी तादाद में भी बन रही है उनको जो है वो नालों। अच्छा जैन, आप साथ ही रहिएगा। आसिम, आप ये बताएं कि मजीद बारिशों की पेशनगोई की गई है, तो अब ये बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर हैं जिनको ये हिदायत की गई है अपनी अपनी पार्टी लीडरान की जानिब से कि वो भी आवाम के लिए अपने इकदाम जो है वो करें और अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों की मदद करें, तो कोई आपको कोई रिलीफ या कोई ऐसा कोई एक्शन प्लान नज़र आ रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि आने वाली बारिशों की वजह से मजीद जो है मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? आसिम
जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं कि चूंकि आपको पता है कि मंझे हुए सियासतदान है शेख रशीद साहब और नाला लई का जो ज्यादातर हिस्सा है वो उन्हीं के हलके में आता है, तो इसलिए शेख रशीद साहब का भी चूंकि सारा फोकस जो है वो नाला लई के ऊपर ही होता है, और चूंकि महकमा मौसमियात ने जैसा कि बारिशों की मजीद पेशन गोई की है, तो इस हवाले से वासा के जो तर्जमान है उनसे हमारी जब बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि हमने जो नाला लई है उसकी सफाई सुथराई जो है, चूंकि पहले से बारिशों का हाई अलर्ट हमें दिया गया था जिसकी वजह से हमने सफाई सुथराई का काम जो है वो पहले मुकम्मल किया जा रहा था, और आप अगर मजीद बारिशें भी होती हैं तो वासा की जानिब से भी और जिले इंतजामिया की जानिब से जो मुलहिका जो इलाके हैं जो नशेबी इलाके हैं जहां पर जो है वो ज्यादा पानी खड़ा होता है, जहां लोगों का ज्यादा तर नुकसान होता है, लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल होता है, तो लोगों का बहुत ज्यादा लाखों रुपए का जो सामान है वो खराब हो जाता है, तो उस हवाले से इन्होंने जो है वो एक हाई अलर्ट जारी किया, और इसके साथ साथ टाइगर फोर्स और दीगर सियासी जमातों ने भी अपने वर्कर्स को यही जो है वो पैगाम दिया कि वो बाहर निकले, क्योंकि हमेशा से ये होता है कि जब भी ऐसी कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए जो है वो पेश पेश रहते हैं, और अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो एक दूसरे के साथ देते हैं। जी जैन, आपकी क्या इत्तलात हैं, जो मजीद बारिशों की पेशन गोई की गई है इस्लामाबाद में, तो जिले इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इकदामात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज से जिले इंतजामिया जो है वो एक्टिव हो गई है, टास्क फोर्स के दस्तों ने भी जो है अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो नशेबी इलाके हैं वहां से लोगों को जो है वो दूसरी मुकाम की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है, यहाँ पर टाइगर फोर्स के रजाकार भी जो है जिले इंतजामिया के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिले इंतजामिया का अपना अमला भी जो है वो आज काम के बाद जो है वो अपनी कार्रवाई करते हुए नजर आया, लोगों को जिस मकान की जानिब जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन आज फिर वही हम बात करेंगे कि जिले इंतजामिया की जो भल सफाई के लिए नालों की सफाई के लिए जो फंड मिलता है वो इन नालों की सफाई के ऊपर अगर लगाया जाता तो ये नुकसान ना उठाना पड़ता, इसलिए कि हम जो चेयरमैन थे आमिर मोहम्मद साहब उनके नीचे हमें तारीफ करेंगे कि उन्होंने जैसे ही एनडीएमए ने ये मैसेज दिया कि मूनपुर की बारिशों में जो है वो इजाफा होगा, तो उन्होंने जो शहर है इकतदार के जितने भी सेक्टर थे जिनसे जिन नाला जा रहा था वहां पर जो है वो सफाई का अमल जेरे निगरानी खुद करवाया, वो खुद खड़े रेट नजर आए। एफ एन का एरिया देखा जाए जी सेवन का जी एट का, तो तमाम निगरानी सफाई की अगर इसी जिले इंतजामिया भी इसके हस्पताल भी बेहतर बनाती आखिरी सवाल ये बताइएगा कि हालिया बारिशों के नतीजे में हादसात का रेशो क्या है, खुदा न खास्ता कोई अमवात या जख्मी होने के इत्तला क्या है, क्योंकि बिजली के तारे गिरना, बिजली के पोल के करीब लोगों को करंट लगना, इस तरह के वाकयात हम अक्सर देखते हैं, तो इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगा कीजिएगा। जी देखिए इस्लामाबाद से अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि यहाँ पर जानी नुकसान की इतना या किसी के जख्मी होने की इतना मौसूल नहीं हो सकी, रेस्क्यू जरा भी हमारे लिए कन्फर्म कर रहे थे कि यहाँ पर इस तरह की कोई चाहिए, जबकि जिले इंतजामिया का अमला जो है वो, और मैं आपको यहाँ पर ये बात बताते थे जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है वापस को होते वो एक दूसरे के लिए सबसे पहले जो है वो भागम फेल करते हैं, वो एक दूसरे को सबसे पहले जो है वो रेस्क्यू करते हैं को बचाने के लिए आगे चलते हैं, बाद में जो टीमें होती है वो सामने मंजर आम पर आती है। आपने जो बात की है कि बिजली के पोल और ये मजाफाती ऐसे सेक्टर जो है वहां पर तो जाहिर सी बात है एक फुकदान है कि रोड गली गलों के ऊपर जो है घरों के ऊपर तारे गुजर रही है, आप ये बताएं कि पिंडी में हादसात की इत्तलात क्या है, वहाँ पर बिजली की तारें गिरना या बिजली की वजह से लोगों को करंट लगना या इसके अलावा खुदा न खास्ता छतें गिरने के वाकयात जो है वो भी सामने आते हैं, तो वहाँ पर इत्तलात क्या है हादसात की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि अगर बात की जाए इन हालिया होने वाली बारिशों में तो छतें गिरने या बिजली की तारों के साथ करंट लगने जैसे अभी तक तो ऐसा कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ था। मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिश में ढोकरत्ता के इलाके से दो बच्चे पाँव खेलते खेलते जो है वो नाला लई में जा गिरे थे, जिसमें एक बच्चे को जो है वो रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया था, तहम दूसरा बच्चा जो था वो खालके हकीकी से जा मिला था, उसकी जो डेड बॉडी है वो गुलिस्तान कॉलोनी से जो है वो तीन दिन के बाद जो है वो उसकी जो डेड बॉडी थी वो मिली थी। जी आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ अजला से जो हालिया बारिशों के नतीजे में जो हादसात हुए हैं
जो वहाँ पर तबाही फैली है, आपको आगाह किया। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान हनीफ रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।